हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और आज हम देख रहे हैं ये क्या है, रबर बैंड, हेयर बैंड है क्या ये, गिटारिस्ट इसको क्यों लगाते हैं। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे वोकलिस्ट होते हैं, आपने सुना होगा आजकल कुछ एक्टर्स गाने लग गए हैं, मैंने पिछला वीडियो भी किया था एक एक्टर पे जो बहुत ही अच्छा गाने लग गए हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं गा पाते हैं, वो अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करके उसके ऊपर ऑटो ट्यून लगाते हैं। ऑटो ट्यून क्या होता है, उनके सुर सपोज खराब हुए, वो जब गा रहे थे उनको सी गाना था, उन्होंने सी की जगह बी गा दिया या फिर एक ऐसा नोट गा दिया जो बी और सी के बीच में है, उसको इंजीनियर क्या करता है, ऑटो ट्यून करके सी पे ले आता है, वो नोट सही हो जाता है। ऑटो ट्यून होता है वोकलिस्ट के लिए जो लोग नहीं गा पाते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत गा लेते हैं बट एग्जैक्टली प्रोफेशनल नहीं गा पाते हैं, उनके लिए होता है ऑटो ट्यून। तो मैंने सोचा कि आप हम सब गिटारिस्ट की कम्युनिटी में भी तो एक ऑटो ट्यून होना चाहिए। दिस इज़ दैट ऑटो ट्यून, ये क्या करता है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आकाश सर, आकाश भैया, जब मैं बजाता हूँ तो बहुत नॉइज़ आती है, स्पेशली जब मैं अपने डिस्टॉर्शन पैच पे बजा रहा होता हूँ और मैं कुछ लीड बजा रहा था तो बहुत नॉइज़ आती है गिटार में, अनवांटेड स्ट्रिंग्स प्ले हो जाती हैं, ये हो जाता है, या फिर ऐसे बज जाता है, या फिर जब मैं टैप कर रहा होता हूँ कोई गलत स्ट्रिंग छू जाती है मुझसे, मैं इसके लिए क्या करूं, मुझे इसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है, ये कैसे इम्प्रूव होगा। गाइस आज बहुत बड़ा एक सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत सारे गिटारिस्ट आपसे ये नहीं शेयर करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। सो ये है एक फ्रेट रैप कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, ये मेरा हेयर बैंड है, लंबे बाल हैं, बांधने पड़ते हैं वरना चुपते हैं दर दर, हालांकि ऐसे खुले भी कूल लगते हैं, बट एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, भटकते नहीं हैं। मेरा हेयर बैंड है, मैंने इसको लिया, इसके अंदर किसी तरह डाला, सो सबसे अब आप कह रहे होगे सर आपके तो लंबे बाल हैं, आपके पास तो हेयर बैंड है, हम कहाँ से लेके आए। भाई साहब घर में किसी से मांग लो, लेडीज से मांग लो, घर में जो कोई भी लेडी हो या आस पास वो जो लेडीज़ वाली शॉप होती है उनमें चले जाना बिना शर्माए और बोलना कि मेरे को वो चाहिए, वो नहीं वो, ये वो मत बोल देना, तो आपको ये चाहिए होगा हेयर बैंड बोलना और सबसे मोटा वाला लेना। सो गाइज एक बार मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ, सी खोलने में थोड़ा प्रयास लगेगा बट आप लोगों के लिए इतना नहीं किया तो क्या किया, ये लीजिए, ये है मोटा लेना, थोड़ा सा फ्लफी जिसका मास थोड़ा ज़्यादा हो, ओके इसको लीजिए, गिटार में ऐसे लगाइए, थोड़ी मेहनत लगती है, गिटार की ट्यूनिंग खराब हो जाती है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको पीछे ऐसे गांठ बांधनी है, मैं ऐसे ही करता हूँ, गांठ बांधता हूँ और इसको इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एक स्टेपल टाइप का बन जाता है, फिर मैं इसको पूरे फ्रेटबोर्ड पे रोटेट कर सकता हूँ, पूरे फ्रेटबोर्ड पे चला सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, इस पर आते हैं। अब देखो मैं आपको एक जानबूझ के गलती करके दिखाऊंगा, दो बार गलती करूंगा, पहली बार इसको बिना लगाए गलती करूंगा, स्ट्रिंग स्किपिंग करूंगा ई माइनर पेंटाटोनिक पे, ये देखिए फोर्थ स्ट्रिंग बज गया, मुझे फोर्थ स्ट्रिंग नहीं बजाना था, मुझे ये बजाना था। अब मैं फिर से गलती करके दिखाता हूं, इसके साथ मैंने फोर्थ स्ट्रिंग को भी हिट किया, फिर से स्लो मोशन में देखते हैं, ये देखो मुझे थर्ड स्ट्रिंग बजानी पर मैं फोर्थ स्ट्रिंग को भी हिट कर रहा हूं, पता भी नहीं चल रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं, ये देखिए, कुछ घंटा आवाज नहीं आई। अब मैं यही गलती बिना इसके करता हूं, नॉइस ऐसा बहुत कुछ बजाने पे होता है। तो गाइस बेसिकली ये आपकी गल्तियां छुपाता है, दिस इज कॉल्ड ए फ्रेट रैप। काफ़ी ब्रांड्स अलग अलग नाम से इसको बेचते हैं फ्रेट रैप, बट मैं सजेस्ट करूंगा 2500 रुपये का फ्रेट रैप मत लेना, क्योंकि कोई मुझे स्पॉन्सर तो कर नहीं रहा है, वीडियो कर रहा होता तो मैं बेच देता आप लोगों को, जस्ट जोकिंग। 5 रुपये या 2 रुपये के 10 बस मिल जाएंगे, जाना ले लेना, दिल्ली में लाजपत नगर में बिल्कुल कस के भर के मिल जाएंगे, आपके आसपास किसी भी स्टोर पे मिल जाएंगे, वो जो लड़की वाली दुकान होती है ना सबको पता ही होगा, आप लोग की नज़रें वही रहती होंगी मोहल्ले में। सो हमें वहाँ जाना है और हमें हेयर बैंड मांगना है मोटा वाला, या फिर मॉम से, बहन से, किसी से भी, पड़ोसन से जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको हेयर बैंड मांगना है मोटा वाला, ठीक है। और थोड़ा शो ऑफ भी कर लेना कि एक्चुअली आई एम अ गिटारिस्ट, सो मुझे हेयर बैंड चाहिए था फ्रेट रैप के लिए, आई एम डूइंग सम एडवांस टेक्निक्स, तो थोड़ा शो ऑफ भी हो जाएगा।
ठीक है। सो हमने ये मांगना है। अब देखिए ये बेसिकली गिटारिस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, ओवर टोन्स स्केल करने के लिए। नाउ व्हाट आर ओवर टोन्स, अगर मैं गिटार का अपना वॉल्यूम लो करूँ और इसको इधर करूँ, अगर आप बिना इसके ये बजाओगे, मैंने इसको हटा दिया है, ये आवाज़, दीज आर द ओवर टोन्स। अगर आप कभी अपना गिटार रिकॉर्ड करोगे, उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनोगे, इनकी आवाज़ बहुत धीमे धीमे आती है, बट बहुत डिटेल सुनने में आती है। अच्छे गिटारिस्ट इसको यहाँ पे ओवर टोन स्केल करने के लिए यूज़ करते हैं। बट हाँ, इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट, हार्ड थिंग फॉर गिटार प्लेयर्स टू डू, वी वांट टू बी फास्टर देन द अदर गाय एंड वी आर मोस्टली गाइस, लेट्स बी फ्रैंक, एंड वी आर मोस्टली गाइस, लेट्स बी फ्रैंक। वो भी इसको उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जिस पर्पस के लिए आज मैंने आपको सिखाया है, सिंगर्स का ऑटो ट्यून और गिटारिस्ट का फ्रेट रैप। एंड एनीवेज, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप गलतियाँ करो और फ्रेट रैप से अपनी गलतियाँ छुपाओ। नहीं, मैंने भी आपको शुरू में बजा के दिखाया कि मैं बिना इसके भी उतना ही क्लीन बजा लेता हूँ चीज़ें। सो आपको बजानी है, बट जो बिगनर हैं या फिर थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, पीयर प्रेशर है कि सर मुझे रिकॉर्ड करके डालना है, मेरे इस गिटारिस्ट ने रिकॉर्ड करके डाला, कुछ यूट्यूब पे उसका बहुत क्लीन आया, उसके अच्छे व्यूज़ है, सर मेरे को भी डालना है, बट मेरे से नॉइज़ हो जाती है गिटार पे, ठीक है यूज़ कर लो, बट चार दीवारी के अंदर अपने कमरे के अंदर बैठ के घंटों प्रैक्टिस भी करना, मैं आपको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करूँगा कि आप इसको ज़िंदगी भर यूज़ करते रहो। हाँ, जब कुछ ऐसी टेक्निक्स कर रहे हो जो बहुत नई हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा नॉइज से परेशान हो गए हो, ज़रूर इसको यूज़ करना, बिल्कुल पीछे मत हटना, बिल्कुल सीना चौड़ा करके कहना हाँ मैं फ्रेट रैप यूज़ करता हूँ तो करता हूँ। सो ये आपको ऑलमोस्ट फ्री का मिल जाता है, ये आपकी गलतियाँ छुपाता है। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, आप कुछ भी प्ले करते हो, बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ भी प्ले कर रहे हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने रिकॉर्डिंग के टाइम, कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे नहीं यूज़ करने का, कैमरे के पीछे अच्छे से प्रैक्टिस करने का। बाय द वे, प्रैक्टिस से याद आया, बहुत लोग व्हाट्सएप और स्काइप में मेरे से सीख रहे हैं, मेरी टीम से सीख रहे हैं। हाय, आई एम पीयूष। आई पिक्ड अप गिटार विद आकाश एज माय मेंटर एंड स्टार्टेड माय गिटार जर्नी। वी स्टार्टेड ऑफ विद सम बेसिक कॉर्ड्स एंड फिंगर एक्सरसाइजेस एंड स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स। With every song, I realized that my techniques were improving and I could play the previous song much better than before. Now it's been 5 years and now I play lead guitars for some famous bands in India. Akash has been very kind to me to include me in his faculty. Now, I teach at Akash Maheshwari Music Lessons. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ आकाश और आज हम देख रहे हैं शायद from Love Aajkal 2. Come, I'll teach you everything you wanna learn. बहुत खुश है, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इंडिया में बहुत लोग हैं। आपको एनरोल करना है तो अक्की हिमसेल्फ इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, आके मैसेज करो, बात करते हैं, कुछ सीरियस सीखते हैं जैसा कि म्यूज़िक स्कूल में सिखाया जाता है। सो गाइस, बहुत पका लिया मैंने आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाऊँगा, टेक केयर, और कोई भी क्वेश्चन हो बताना मेरे को, बाय बाय। को देख के करना, आपको पता चल जाएगा क्या गाड़ी है क्या पिछाड़ी है। ये है इसकी पिछाड़ी, देखो पिछाड़ी में दो दो निकले हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको पीछे, हाय गाइस वेलकम बैक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो, हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और आज हम देख रहे हैं कि ट्यूनिंग खराब हो जाती है, हो गई है, वापस ट्यून कर लिया मैंने। फ्री का सामान है, अगर 2 रुपये में 10 मिल जा रहे हैं, बार्गेन कर लेना, मिल जाएगा, ऐसा ना ठग जाना, 10 रुपये का एक मत खरीद लेना, ठीक है। सो